कांग्रेस के वरिष्ठ नेता परवेज खान उर्फ पीके जी के घर पर सुनील पाटिल, दिनेश पाटिल, शंकर मुटकिरी आदि लोगों ने मिलकर एक दूसरे को गले लगाते हुए ईद की मुबारकबाद दिए। वहीं परवेज खान ने सभी देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। तमाम आलम इस्लाम और देशवासियों को ईद उल फित्र की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। एक ऐसा त्यौहार है जो एक महीना रोजा रखने के बाद जिस तरीके से एक मजदूर काम करने वाला कोई भी तो उसको मजदूरी फिर मिलती है काम करने के बाद, इसी तरीके से रोजा रखने वालों को, जो लोग रोजा रखते हैं उनको एक देखा जाए तो एक मजदूरी की तरह, मतलब खुशी, जश्न जश्न मिलता है, जश्न मनाने का मौका मिलता है। इसीलिए मैं लोगों से यही कहूंगा, खुशियां मनाएं, जश्न मनाएं और लोगों का ख्याल करें, जो आसपास के लोग हमारे हैं उनका खास तौर से ख्याल किया जाए और एक दूसरे को मतलब ऐसा निगलेक्ट करके न चलें। जो बच्चा या बड़ा कोई भी जो अपने पड़ोस में अगर कहीं तकलीफ से उनको खास तौर से ऐसे लोगों को ज्यादातर ध्यान देना चाहिए और उनको लेकर साथ में खुशियां मनाना चाहिए। और ये एक ऐसा त्यौहार है कि लोग जो ऐसे ईद की नमाज पढ़ने के बाद जो लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं और अपने अंदर के जो गिले शिकवे हैं उसको खत्म करते हैं। और इस त्यौहार के अंदर हिंदू मुस्लिम सब जिस तरीके से एक दूसरे से गले मिलते हैं, लोगों का भाईचारा बना रहे, इसी तरीके से मैं ये चाहता हूं कि जिस तरीके से ईद के मौके पे लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं और गिले शिकवे खत्म करते हैं, इसी तरीके से हमारे देश का यही परंपरा रहे और मैं ये दुआ करता हूं कि हमेशा भाईचारा कायम रहे।